एक सवाल है जो बार बार बहुत से लोग पूछते रहते हैं मेरे से, हेडलाइट की रोशनी कैसे बढ़ाएं, मतलब हाउ टू इंक्रीज हेडलाइट फॉक्सिंग या ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिसके पास BS6 की अप्पी आटो है, अप्पी प्यागो जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे मेन और सबका बाप बाप बोल सकते हैं आप चाहे तो। क्यों बोले तो इस गाड़ी के अंदर आपको अल्टरनेटर मिल रहा, अल्टरनेटर या डायनमो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से बुलाते। तो खैर, अभी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर या फिर डायनमो। तो इसका काम क्या है ना, जनरली ये बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाते, और इससे पहले अप्पी ऑटो को थोड़ा साइड में रख दें, तो चाहे अप्पी, बजाज, अल्फा, TVS, चाहे जितने भी कंपनी के गाड़ियाँ हैं थ्री व्हीलर खास करके, और इसमें चाहे BS3, BS4 और BS6 के गाड़ियाँ, इन बहुत से गाड़ियों में सिर्फ ये अप्पी ऑटो एक को अगर साइड में रख देना, तो बाकी के किसी भी गाड़ियों में ना आपको अल्टरनेटर या डायनमो नहीं मिलता। नहीं मिलने की वजह वो अलग है, वो अलग साइंस है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी मेन मुद्दा है कि भाई हेडलाइट की रोशनी को बढ़ाएं कैसा। तो देखो, हेडलाइट की रोशनी को अगर आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको हेडलाइट को बढ़ाना पड़ता, मतलब हेडलाइट जो है ना उसको ज़्यादा वोल्टेज के लगाना पड़ता, ज़्यादा वाट्स के। और चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे या ज़्यादा से ज़्यादा फोक्सिंग वाले लाइट को लगा लो, प्रॉब्लम कब आता, बैटरी के ऊपर आता। क्यों बोले तो देखो, किसी भी लाइट को जलाने के लिए या चलाने के लिए आपको बैटरी इंपॉर्टेंट है, और बैटरी उस वक्त तक लाइट को चलाती जब तक बैटरी के अंदर खुद करंट बचा हुआ है या फिर स्टोर है या जमा हुआ है। तो जब बैटरी में करंट आना बंद होगा या बैटरी में करंट कम आने लगेगा, तो तब जाके आपकी जो गाड़ी की लाइट है वो ऑटोमेटिक डाउन होती या डिम हो जाती। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन तो अभी BS3, BS4 और BS6 के कुछ गाड़ियां हैं, सिर्फ अप्पी ऑटो को छोड़ के जितने भी गाड़ियां हैं ना, इन तमाम के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि देखो भाई, हेडलाइट की जो रोशनी है गाड़ी के साथ जितनी आई वही ठीक ठाक है। आप इसको एडिशनल अगर कुछ करना चाहे, जैसे हेडलाइट्स को निकाल के महंगे वाले जैसा 35-35 के गाड़ी के साथ आते, उसको निकाल के अगर आप 55 के लगाना चाह रहे तो लगा सकते, नो प्रॉब्लम। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही, जब 190 या 130-100 के लगा रहे ना, तब जाके आपकी बैटरी पे ये इफ़ेक्ट होगा, मतलब बैटरी कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा। और बैटरी कंज्यूम करना तो करता नहीं, बोल के नहीं, अगर अल्टरनेटर आपकी गाड़ी में होता, या फिर जैसे BS6 की बात, ये BS6 की जो अप्पी ऑटो है इसकी अगर हम बात करें, तो देखो ये गाड़ी में एक अल्टरनेटर है, जो अल्टरनेटर का पहले काम समझो क्या है। देखो, जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं या डायनमो बोलते हैं, ये एक मान लो, एक एग्जांपल बोल रहा मैं आपको, ये जो अल्टरनेटर है ना, ये रेडी रहता है, बैठे रहता है कि भाई आपको कितना करंट ज़रूरत है और मैं दे दूंगा। चाहे आपके पास 100 वोल्टेज की ज़रूरत है दे देता, 1000 वोल्टेज की ज़रूरत है तो भी दे देता, 1500 वोल्टेज की ज़रूरत है तो भी दे देता, मतलब जितना आप करंट को यूज़ करेंगे, मतलब उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे ना, वो उतना बढ़ा के देते रहता अल्टरनेटर। मगर दिक्कत क्या है, जो BS3, BS4 और BS6 की गाड़ियाँ, चाहे अप्पी में क्या है, BS3, BS4, BS6 को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी के जितने भी गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियों में BS3, BS4 और BS6 की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, खास करके थ्री व्हीलर की बात कर रहा मैं, और बाइक को भी आप इसमें चाहो तो इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों बोल तो बाइक का भी सेम मिलता जुलता ही प्रॉब्लम है गाड़ियों में। तो बाइक और ऑटो में ना एक कटआउट मिलता है आपको, कटआउट जिसको चार्जिंग कटआउट भी बोलते हैं या रेक्टिफायर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो खैर, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, ये वाला चार्जिंग कटआउट जो है ना, इंजन के अंदर एक कॉयल रहता, उसमें से करंट जनरेट होकर इसके अंदर आता, और ये जो कटआउट है एक लिमिट तक ही करंट दे सकता, उसके बाद नहीं दे सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जितना करंट आपके पास है उतने में ही आपको यूज़ करना है, मतलब उतने में ही खेलना है, मतलब जितने पैसे आपके जेब में है उतने ही खर्च कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। मगर अप्पी ऑटो के केस में ऐसा नहीं है, अप्पी ऑटो का मतलब एक क्रेडिट कार्ड का हिसाब हो गया, वो आप जितना चाहे खर्च करो, अल्टरनेटर जो है ना वो भरते रहता उसको करंट को, आप बैटरी जितनी आप कंज्यूम करो अल्टरनेटर उसको फ्लप करते रहता। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है BS6 की अप्पी गाड़ियों में, और हम ट्राई करेंगे, और जो जो कंपनियां हैं उन लोगों से भी हो सका तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे। जो BS6 तो चले गया, BS7 की गाड़ियों में अगर अल्टरनेटर मिल गया, मतलब अल्टरनेटर एडिशनल फिटिंग होके आ गई, तो तब जाके
जिस दिन मान लो अल्टरनेटर गाड़ियों में फिट होके आना शुरू हो गया, उसके एक डेढ़ महीने या दो महीने के बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेगा कि भाई हेडलाइट की रोशनी को कैसे बढ़ाए। क्यों बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको लामहदूद मतलब बेहिसाब रोशनी मिलती, जैसा कारों में और ख़ास करके टाटा मैजिक जिसको छोटा हाथी भी बोलते, इन गाड़ियों का अगर उजाला देखेंगे ना हेडलाइट का तो देखो बहुत ज़बरदस्त एकदम ब्राइट रहता, ऐसा दिखता कि भाई सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये लाइट का कमाल नहीं है, ये अल्टरनेटर का कमाल है जिसको डायनमा बोलते। तो ये BS3, BS4 और BS6 की गाड़ियों में अल्टरनेटर नहीं रहने की वजह से क्या है, एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है, मतलब एक कट है, बॉर्डर है, उसके अंदर ही आप इस्तेमाल कर सकते। हाँ, अगर इसका कोई निचोड़ या अल्टरनेटर पूछे, अल्टरनेट अगर इसका कोई दूसरा ऑप्शन कोई पूछना चाहे तो देखो अलग से LED लाइट्स बहुत मिलते हैं, एक से बढ़ के एक है आजकल मार्केट में। और मेरे चैनल पे भी तकरीबन 20-25 वीडियो स्पेशली LED लाइट्स के ऊपर है, पर मेरा स्पेशल अगर मेरा सुझाव अगर आप मानेंगे ना तो 2-3 वीडियो है जो ये 2 या 3 वीडियो ऐसे हैं जो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा। मैं बोल रहा कि भाई ये लाइट लगाओ, इससे अच्छा अभी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा, अगस्त 2023, आज के डेट से पहले, अगस्त 2023 से पहले पहले इन 3 या 2 लाइटों से अच्छा और इससे बेटर ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है। लगाना है तो इसमें लगाओ, या फिर वेट करेंगे हम BS6 की या BS7 की गाड़ियों में जब तक अल्टरनेटर नहीं आता। तो ये एक डाउट था, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है ये कि भाई उजाला कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं। देखो बहुत से लोग पैसे लगाने को भी रेडी है, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 भी लगाने को रेडी है, मगर देखो भाई कंडीशन क्या है, आप लाख हो गए, करंट आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपकी बैटरी में है, और बैटरी उतना ही करंट दे सकती है जितना उसको पीछे से मिल रहा, मतलब चार्जर से मिल रहा, कटआउट से मिल रहा या फिर अल्टरनेटर से मिल रहा। तो ये एक डाउट था, बहुत बड़ा बग है और बहुत से लोगों को इसका कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं मेरे से जितना होता आपको कम लफ्ज़ों में और कम टाइम में समझाने की कोशिश करा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को एक और बार फिर से देखो, तब जाके आपको समझ में आ जाता। तो इस वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि तो बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूजन है, डाउट है, बार बार पूछते रहते हैं सवाल, उजाला कैसे बढ़ाएं, उजाला कैसे बढ़ाएं। देखो भाई अगर उजाला बढ़ाने का कोई ऑप्शन होता तो आज नहीं, आज से 1-1.5 साल पहले मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर देता था। आज भी इसका ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये वीडियो में आपको मैं बताना चाह रहा। तो ये एक डाउट था बहुत से लोगों का, उम्मीद है आपको तो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा डाउट। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, शायद उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा इंक्रीज़ हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।